दोस्तों 21-22 की एशेज सीरीज 5 टेस्ट क्रिकेट मैचेस की सीरीज है जिसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। इस सीरीज का आयोजन 8 दिसंबर 2021 से 18 जनवरी 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया में 5 वेन्यूज में किया जाएगा। पिछली कुछ सीरीज में जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया इस बार भी अपनी जीत को डिफेंड करेगी। आपको बता दें कि 2017-18 की एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी और 2019 सीरीज ड्रॉ हुई थी। रिसेंट में होने वाली 2021-22 एशेज सीरीज 2021 से लेके 2023 तक चलने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। दोस्तों अभी तक खेली गई इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी द एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम की विजय होगी। लेकिन आज हमारे वीडियो का मकसद ये एशेज सीरीज नहीं है बल्कि सीरीज के पीछे की बेहद रोचक और दिलचस्प कहानी है जिसने इस सीरीज को जन्म दिया। इस कहानी में दो देशों के बीच के स्पोर्ट्स वॉर के अलावा एक प्रेम कथा भी जुड़ी हुई है जो द एशेज सीरीज के इस सफर को और रोचक बनाती है। दोस्तों आज इस डिस्कशन के माध्यम से इन सारे तथ्यों को आपके साथ हम साझा करेंगे। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों 18 सेंचुरी के दौरान अपने जेल्स को ओवरक्राउडिंग से बचाने के लिए और समाज को किसी भी तरह के क्रिमिनल इन्फ्लुएंस से दूर रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन से मुजरिमों को अमेरिकन कॉलोनीज ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन को ये ट्रांसपोर्टेशन रोकना पड़ा और यहां शुरू हुई एक ऑल्टरनेटिव साइट की तलाश जहां ब्रिटेन अपने समाज के दोषियों को ट्रांसपोर्ट कर सके। 1780s में ये तलाश ऑस्ट्रेलिया में आकर बंद हुई। ब्रिटेन ने 1787 से अपने प्रिजनर्स ऑस्ट्रेलिया में डिपोर्ट करने शुरू किए और ये 1830s तक अपने चरम पे पहुंच चुका था। कई प्रोटेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट के बाद ब्रिटेन को ये इम्पोजिशन बंद करना पड़ा। लेकिन उस समय तक कॉलोनाइजेशन के अलावा कन्विक्ट ट्रांसपोर्टेशन ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच एक एनमिटी स्टैब्लिश कर दी थी। इस एनमिटी का असर हर उस डोमेन में दिखने लगा जहां दोनों देश एक दूसरे के विपरीत खड़े हो सकते थे और इसका सबसे गहरा असर दिखा क्रिकेट में। दोस्तों यूं तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 1877 में खेला था लेकिन एशेज नाम की कोई सीरीज तब एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस कहानी में रोमांचक मोड 1882 में आया जब अपने इंग्लैंड टूर के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने केवल एक टेस्ट मैच खेला था, वो भी लंदन के ऐतिहासिक द ओवल में। ये मैच एक लो स्कोरिंग इनिंग थी जिसने ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में केवल 63 रन स्कोर किए थे। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 38 रन की लीड बनाते हुए 101 रन का स्कोर बनाया। अपनी सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 122 रन स्कोर किए जिसे बीट करने के लिए इंग्लैंड को केवल 85 रन स्कोर करने थे। ये उस मैच का ऐसा लम्हा था जहां ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ये मान चुके थे कि इंग्लैंड की जीत पक्की हो चुकी है। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर फ्रेड स्पॉफोर्ट ने अपना कमाल दिखाते हुए एक के बाद एक इंग्लैंड के 4 विकेट्स लिए। इंग्लैंड के लास्ट बैट्समैन टेड पीट जब क्रीज पे आए तो जीत के लिए उन्हें केवल 10 रन स्कोर करने थे लेकिन हैरी बॉयल द्वारा उन्हें केवल 2 रन स्कोर करने के बाद ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। ये इंग्लैंड टीम के लिए एक शर्मनाक हार थी जहां जीत से केवल 8 रन की दूरी पे उन्हें ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त मिली थी। दोस्तों कहा जाता है कि ये हार उस मैच के दर्शकों के लिए भी यकीन ना कर पाने लायक थी और पूरा ओवल शांत हो चुका था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि द ओवल जैसे होम ग्राउंड पे इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा। इस हार के कुछ समय बाद ही 2 सितंबर के दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर द स्पोर्टिंग टाइम्स में रेगिनाल्ड शिल्डे ब्रूक्स द्वारा एक मॉक ऑब्यूट्री पब्लिश की गई। इस ऑब्यूट्री के वर्ड्स थे, इन अफेक्शनेट रिमेम्बरेंस ऑफ इंग्लिश क्रिकेट विच डाइड एट द ओवल ऑन 29 अगस्त 1882, डीपली लैमिनेटेड बाय अ लार्ज सर्किल ऑफ सर्विंग फ्रेंड्स एंड एक्विटेंसेस, RIP यानी कि रेस्ट इन पीस। NB, द वर्ल्ड विल बी क्रीमेटेड एंड द एशेस टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑबिट्यूरी में साफ लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों द्वारा इंग्लिश क्रिकेट की मौत ओवल में 29 अगस्त 1882 को हो गई थी और क्रियाक्रम के बाद राखों को यानी एशेस को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। दोस्तों इस पोस्ट ने तब कई सुर्खियां बटोरी और कहा जा सकता है कि यहीं से इस सीरीज का नाम द एशेज का जन्म हुआ। इस हार के शर्म से बोझिल इंग्लैंड कैप्टन
इवो ब्लिग ने 1882-83 के ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ये प्रॉमिस कर दिया था कि वो इस हार का बदला जरूर लेंगे और इंग्लैंड उन एशेस को वापस अपने देश लेकर आएगी। उन्होंने सीरीज के पहले अपने इस स्टेटमेंट को कई बार दोहराया था और ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने भी इसे हाईलाइट किया। ओवल में हुई हार के 3 हफ्ते बाद इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची और इस बात का निश्चय करते हुए कि वो एशेस वापस इंग्लैंड लेकर आएंगे। दोस्तों, इस सीरीज में 3 मैचेस खेले जाने थे। सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बढ़त बनाई थी, लेकिन अगले 2 मैचेस जीतते हुए इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम की। इस जीत के बाद कहा जाता है कि सबने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इंग्लैंड टीम ने उन एशेस को रीगेन कर लिया है। दोस्तों, 1882 की क्रिसमस ईव में एक अनोखी घटना हुई। कहा जाता है कि रूपर्ट वुड ईस्ट स्टेट विक्टोरिया में हो रहे एक सोशल मैच के दौरान ब्लिक को मेलबर्न लेडीज के ग्रुप द्वारा एक टेराकोटा ऊन गिफ्ट में दिया गया, जिसे रेड एंड गोल्ड वेलवेट बैग में रखा गया था। कहा जाता है कि इस ऊन में सीरीज के 3rd मैच के बेल्स को जलाकर कलेक्ट किए गए एशेस भरे हुए थे और इस ग्रुप को फ्लोरेंस मॉर्फी नामक एक महिला ने लीड किया था। दोस्तों, यहीं से ब्लिक और मॉर्फी की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और अगले साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर मॉर्फी को प्रपोज किया। 1884 में शादी रचाने के बाद दोनों इंग्लैंड आए और इसके बाद ब्लिक और मॉर्फी के साथ जीवन भर बना रहा। दोस्तों, उस इंसिडेंट के बाद अगले 43 वर्षों तक वो अर्न ब्लिक फैमिली के पास रहा। ब्लिक इस अर्न को एक पर्सनल गिफ्ट मानते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मर्फी ने उस बॉटल को लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC को सौंपने का फैसला किया। दोस्तों, 1990s में ट्रेमेंडस पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हर 2 साल पे एक टेस्ट सीरीज खेलने का फैसला किया, जिसे अब फॉर्मली द एशेस के नाम से जाना जाएगा। ट्रॉफी के लिए ब्लिक को मिले उसी अर्न का एक रेप्लिका वाटरफोर्ड क्रिस्टल के तौर पे तैयार किया गया, जो उन्हें मर्फी द्वारा गिफ्ट किया गया था। 1998-99 में खेले गए द एशेस सीरीज का पहला विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, जिसने क्रिस्टल ट्रॉफी जीती। तब से लेकर आज तक द एशेस सीरीज के कंक्लूजन के बाद वो ट्रॉफी विक्टोरियस कैप्टन को प्रेजेंट की जाती है। दोस्तों, तब से लेकर आज तक दोनों देशों के प्लेयर्स ने ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप की गरिमा बनाई हुई है। आज भी द एशेस सीरीज क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट फियर्स राइवलरीज में से एक मानी जाती है। कई एशेस सीरीज में ऐसे आइकॉनिक मोमेंट शेयर किए गए हैं जो क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ब्लिक को गिफ्ट में दिया गया अर्न आज लंदन स्थित द लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। 1929 के बाद से इस अर्न को केवल 3 बार ऑस्ट्रेलिया लेकर जाया गया। पहली बार 1988 में इसे 22 सेंटनरी टेस्ट मैच के लिए सिडनी ले जाया गया था। दूसरी बार 2006 में इसे ऑस्ट्रेलिया के हर स्टेट कैपिटल में एशेस एग्जीबिशन के तौर पे ले जाया गया और तीसरी बार दिसंबर 2019 में इसे 3 महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था, जब ये स्टेट लाइब्रेरी विक्टोरिया की वेलवेट आयरन एशेस एग्जीबिशन का हिस्सा बना था। तो दोस्तों, ये थी कहानी द एशेस की। क्या आपको ये कहानी पता थी? इस पूरी कहानी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।